इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, हम समझेंगे इस स्लाइड में प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई। ठीक है, ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर के मैंने कॉस्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट में 3 वीडियोस बना चुकी हूँ और इससे आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मैंने पहले वो कॉन्सेप्ट इसलिए लिया क्योंकि कॉस्ट वगैरह जरा जल्दी समझ में आता है, ठीक है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको भी हम अब स्टार्ट करते हैं और कुछ वीडियोस में ये भी कवर हो जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन आप चेंज हो रहा है इनपुट जो है वो किस में चेंज हो रहा है, आउटपुट में। ठीक है, इनपुट क्या होते हैं? जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। और जैसे कि आप अगर मान लीजिए जो भी मशीनरी लगी है, जो कि बिल्डिंग है, और जो लेबर लगा है, और जो कुछ भी रॉ मटेरियल, ये सब है इनपुट्स। और जब ये चेंज होके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आउटपुट में, आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल आएगा जिसके लिए आपने प्रोडक्शन किया है, तो वो आपका आउटपुट होता है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ के तरीके से ऐसे समझेंगे। देखिए, प्रोडक्शन क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, और इसमें हम लगाते हैं इनपुट और वो बन जाते हैं बाद में आउटपुट। ठीक है, इस प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में इनपुट बन जाएंगे आउटपुट और जो आउटपुट होता है दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, हमने किसका एग्जांपल लिया? व्हीट का प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया। यहां पर इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, इनपुट्स क्या है हमारे? लैंड है, सीड्स है, मैन्योर है, वाटर है, और इसके अलावा पेस्टिसाइड वगैरह भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इतने ले लिए जो मेन होते हैं। अब ये तो इनपुट हो गए, यानी कि जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होगा। और आउटपुट क्या होगा आपका? जो व्हीट है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है व्हीट। ठीक है, इसी तरह से किसी भी प्रोडक्शन चीज को आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी बेकरी ले लीजिए, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ यूज होगा, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्पेस, ठीक है, वो इनपुट्स हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट चाहे वो केक है चाहे बिस्किट है, वो आपका आउटपुट हो गया। मैं छोटे लेवल पे समझा रही हूँ, ऐसे गारमेंट्स का भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्रोडक्शन, जो फंक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जिस किस तरह से फंक्शनिंग करता है ये प्रोसेस, उसमें क्या आता है आपका? आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट जो होता है फिजिकल आउटपुट, ठीक है, वो किसकी हेल्प से आता है? कौन फंक्शन करता है? फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, F1, F2, F3, कब तक? Fn तक, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्शन हाउस है, उसमें कितने फैक्टर लग रहे हैं, ज्यादा फैक्टर भी टाइप के लग सकते हैं। ठीक है, अब लाइक आप समझ लीजिए, अगर गारमेंट फैक्ट्री है तो उसमें क्लोथ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ लगते हैं, लेबर लगते हैं, मशीनरी लगती है, थ्रेड लगता है, ठीक है, बहुत सारा तरह का फैक्टर लगता है। तो F1 F2 तो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्शन हाउस है। तो O क्या है? O इज द आउटपुट फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी। फिजिकल प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो आउटपुट है और वो इनपुट को लगाने से मिलेगी। फंक्शन, ये जो फंक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पर डिपेंड करता है? F देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये F डिपेंड करता है F1, F2, F3 पे, और ये सब है इनपुट। और ये क्या है? वेरियस फैक्टर नीडेड। प्रोडक्शन हाउस में बहुत से फैक्टर इनपुट की तरह लगाए जाते हैं और तब फाइनल प्रोडक्ट आपको फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा प्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, क्या इनपुट्स होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन को टेक्निकली लिखा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और इसी से रिलेटेड और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए अब समझते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप। ठीक है, टेक्निकल रिलेशनशिप जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये टेक्निकल है। रिलेशनशिप जो रीजन और रिजल्ट से बना होता है, कोई भी रिलेशन अगर रीजन और रिजल्ट पे बेस्ड है, ठीक है, कारण और परिणाम पे बेस्ड है, तो इसको टेक्निकल रिलेशनशिप कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसमें क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कैसे होते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, और क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टर्म है, मैंने कॉस्ट में भी आपको समझाया था और अब दोबारा बता देती हूँ कि जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें केवल वेरिएबल फैक्टर चेंज किए जा सकते हैं, यानी सम ऑफ द फैक्टर्स विल बी चेंज,
एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ऑल फैक्टर, सारे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, बोथ टाइप ऑफ फैक्टर कैन बी चेंज इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इसकी स्पेशलिटी देख लीजिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। ये जो शॉर्ट टर्म होता है इसको हम क्या नाम बुलाते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, इसका नाम है रिटर्न टू फैक्टर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली सम ऑफ द फैक्टर कैन बी इंक्रीज, यानी कुछ ही फैक्टर्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये किसके साथ कंबाइन किए जाएंगे, फिक्स फैक्टर के साथ। कुछ फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे और फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, उन्हें आप नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में, और उसके साथ आप प्रोडक्शन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइक आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, देयर इज अ फार्म ऑफ और बेकरी ऑफ अ बिस्किट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि आप यहाँ पर आपने भाई अपना एक बेकरी का क्या होता है, ओवन साइड होती है, ठीक है, यानी कि भट्टी जिसे कह सकते हैं वो होती है, उसके बाद उसमें जो है उसका एक अपना रूम वगैरह होता है, स्टोर करने की जगह होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिक्स कॉस्ट है और वो नहीं चेंज हो रही शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर आप मटेरियल है जो मैदा वगैरह यूज़ होता है, जो लेबर यूज़ हो रहा है, और इन्ग्रीडियंट्स जो हैं उनको चेंज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, तो वो आपका शॉर्ट टर्म में हो सकता है। ठीक है, मोर एंड मोर यूनिट एम्प्लॉयड विद द फिक्स फैक्टर, और ज्यादा ज्यादा जो है यूनिट आप एम्प्लॉय करोगे फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करके, और आउटपुट किस तरह से आएगा, पहले इंक्रीजिंग रेट से आएगा। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, यानी कि कैसा आउटपुट है आपका, पहला बढ़ेगा और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली वो फॉल कर जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट होता क्या है, कोई चीज बढ़े और वो बढ़ती हुई दर से बढ़े किस तरह से। लाइक आपने एक लेबर लगाया और आप वो 100 पैकेट ऑफ बिस्किट जो फाइनल कर देता है एक डे में, लेकिन अगर आपने दूसरा लेबर लगाया तो एक लेबर का रेशियो था 100, लेकिन दूसरा लेबर लगाने से क्या हो गया, 300 बिस्किट पैकेट होने, पैकेट जो है 300 पैकेट पैक होने लगे। अब क्या हुआ, वो तो इंक्रीज तो हुआ लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, 200 की जगह 300 हुआ। अब आपने तीसरा लेबल लगाया तो 700 बिस्किट पैकेट पैक होने लगे, यानी पहली बार लेबल लगाने पर आपको 200 का इंक्रीमेंट हुआ और दूसरी बार लेबल लगाने पे आपको करीबन 400 पैकेट ऑफ बिस्किट इंक्रीज हो गए। तो ये इंक्रीज होना है बट इंक्रीजिंग रेट से, हर बार और ज्यादा बढ़ रहा है। अब इंक्रीज होना डिक्रीजिंग रेट से किसे कहते हैं, लाइक आपने एक लेबर लगाया 100 पैकेट पैक हो गए, आपने सेकंड लेबर जब लगाया तो क्या हुआ, 50 पैकेट ही पैक, और मतलब 150 पैक हो पाए, 100 तो पहला लेबर की वजह से थे ही, दूसरे लेबर की वजह से 50 बढ़ा, तो फाइनल प्रोडक्ट तो बढ़ा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, और फाइनली फॉल होना शुरू हो जाता है। फॉलिंग तब होती है एक प्रोडक्शन में जबकि क्या होता है, ये देखिए फिक्स फैक्टर जो है ना आपके, उनके साथ जो वेरिएबल फैक्टर रहते हैं उनको बढ़ाने की एक सीमा होती है। ठीक है, एक सीमा से बाहर अगर आप जाएंगे तो वो कंजेशन हो जाएगा और डिफरेंट टाइप के इश्यूज आ जाते हैं, जिससे इंक्रीमेंट होने की बजाय प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है, खर्चा ज्यादा दिखता है, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ता। लाइक अगर आपका जो छोटी सी बेकरी है उसमें 5 लेबर की गुंजाइश थी और आपने 7-8 लेबर कर लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में, तो वो या तो आपस में लड़ लेंगे, ठीक है, या फिर कुछ खाली बैठे रहेंगे, ठीक है, उतना है ही नहीं भाई, जगह ही नहीं बची स्टोर करने की और भट्टी में डालने की बेकरी में, ठीक है, चीजें तो वो तो आराम करेंगे लेकिन वो अपना डे वेजेस तो ले ही जाएंगे, तो इससे कॉस्टिंग तो आपकी आ जाएगी लेकिन प्रोडक्शन में आपको वो चीज नजर नहीं आएगी, तो इसे फॉलिंग ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। और इस लेवल से पहले ही एक प्रोडक्शन हाउस को बंद कर देना चाहिए एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करना। ठीक है, अब ये देखिए लॉन्ग टर्म क्या है, इसे रिटर्न टू स्केल है, लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट टर्म को क्या कहते थे हम, ये फैक्टर है रिटर्न है, और लॉन्ग टर्म जो है वो है आपका स्केल रिटर्न। ठीक है, पूरा स्केल बदला आपने, फिक्स फैक्टर बदले आपने, वेरिएबल फैक्टर बदल दिए। व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड एट अ सेम रेट, जब सभी को आप सेम रेट से बदल दें,
इनपुट्स चेंज होंगे, सेम प्रपोर्शन में भी चेंज हो सकते हैं और साइमल्टेनियस चेंज भी हो सकता है। मतलब जितना आपने लैंड बढ़ाया उतने ही लेबर बढ़ाया जा सकता है, या फिर लैंड उतना ना बढ़ाएं लेबर ज्यादा बढ़ाएं, बट दोनों ही चीज साइमल्टेनियसली आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसमें रिटर्न कैसे आता है, इट मे बी इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग। अभी इंक्रीजिंग रेट से भी रिटर्न आ सकता है, ठीक है, आता ही है जनरली, कोई इतना बड़ा स्केल ऐसे तो बढ़ाने लेगा, रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर को बढ़ाने पे काफी कॉस्टिंग आती है। और कॉन्स्टेंट रिटर्न कि आपने जितना बढ़ाया उस हिसाब से आपको होता रहा जो है प्रोडक्शन। और डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रेट तो आपको पता ही है कि बढ़ता है और ज्यादा ज्यादा बढ़ता रहता है। कॉन्स्टेंट क्या है, आपने एक लेबल लगाया 100 पैकेट पैक करे, दूसरा लेबल लगाया 200 पैकेट पैक कर लिए, तीसरा लेबल लगाया 300, सेम कॉन्स्टेंट लेवल पे हो रहा है और डिक्रीजिंग में घट रहा होता है। यानी आपका आप जब लैंड भी लगा रहे हो लेबर भी लगा रहे हो, तो एक लेवल वहां भी आता है कि जब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल आता है, आपको बढ़ाने का खर्चा ज्यादा पड़ता है, प्रोडक्शन का लेवल वो नहीं मिल पाता। तो आई होप आपको ये दोनों ही स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज नोट्स बनाते चलें, बहुत अच्छे से समझें और खुद भी प्रैक्टिस करके देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।